हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मेसिस्ट सीएन गजबी है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया प्रोडक्ट। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है रियूमेट 90 लिक्विड। इसका नाम आप देख सकते हो, रियूमेट 90 लिक्विड। रियूमेट 90 लिक्विड ये 200 ml का पैक है। आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन है एक्चुअली ये। किसी भी प्रकार के दर्द में ये उपयोग होता है। जैसा है इसकी MRP की बात की जाए तो 190 इसकी MRP है, रियूमेट 90 लिक्विड। तो दर्द के लिए और लकवा के लिए ये यूज़ होता है। साइटिका में दर्द हो रहा है आपको, तो उसमें ये लिक्विड आप ले सकते हैं। जब आप चेकअप कराने जाते हो तो डॉक्टर आपको, आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको ये काढ़ा लिखेगा। तो ये काढ़े को आप सुबह शाम दिन में 3 बार ले सकते हो, खाना खाने के बाद ले सकते हो इसको। तो ये किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा हो उसमें ये 100% रिलीफ इसमें दिलाएगा। एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये आयुर्वेदिक है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा हो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो होता क्या है कि पेशेंट ध्यान नहीं देता है कि उसको शुगर है, बीपी है। तो होता क्या है कि पेशेंट शुगर बीपी होने के बाद, मतलब कहना चाहिए कि जब हाई शुगर हो गया, हाई बीपी हो गया, तो वो अचानक क्या होता है, मतलब कभी भी वो गिर जाता है। गिर जाता है कैसे कहना चाहिए कि उसको पैरालिसिस हो जाता है, लकवा हो जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है। तो लकवा में होता क्या है कि जब बीपी हाई होता है, और बीपी हाई होने के साथ साथ बहुत सारे लक्षण हैं इसके लकवा होने के, तो उसमें पेशेंट की बीपी हाई हो जाती है और उसको शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिस कारण से लकवा की ओर चला जाता है वो, मतलब उसको पैरालिसिस हो जाता है। मतलब शरीर में किसी भी साइड में उसको पैरालिसिस हो सकता है, हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, शरीर के एक आधे पार्ट में हो सकता है, पैर में, हाथ में, मतलब कहीं भी उसको पैरालिसिस हो सकता है। तो ये पैरालिसिस में भी ये सिरप जो है 100% काम करेगा। साइटिका का दर्द आपने देखे होंगे कि किसी को साइटिका का दर्द होता है, तो ये सिरप जो है साइटिका के दर्द में भी रिलीफ दिलाता है। और किसी की यदि पाचन क्रिया जो है वो, पाचन शक्ति कहना चाहिए कि कमज़ोर है, तो ये पाचन शक्ति मतलब खाना पचाने में भी हेल्प करता है। जैसे गैस बन रही है, बदहजमी है, तो ये सिरप उसमें काम करेगा। इसको खाना खाने के बाद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। और जैसे मतलब कहना चाहिए कि आपके डॉक्टर अनुसार इसको आप ले सकते हो, आपके चिकित्सक की सलाह पर आप इसको ले सकते हो, कि आपको बताया जाएगा कि आप किस टाइप से इसको लेना है। इसको ओरली लिया जाता है एक्चुअली, ये सिरप है। आप इस पर देख सकते हो, इसमें चित्र में दिख रहा है आपको, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, आपके शोल्डर का दर्द है, जॉइंट पेन है। तो इसमें आप देख सकते हो माइग्रेन में भी और मिर्गी में भी अच्छा इसका रिजल्ट है। आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो इसको आप आसानी से ले सकते हो। थोड़ा सा कहना चाहिए कि कड़ू लगेगा आपको, पर ये 100% आपको रिलीफ दिलाएगा लकवा में, साइटिका में, पाचन की क्रिया नहीं हो रही है उसमें, और कहना चाहिए कि हाथ पैर में ताकत नहीं है, तो ये ताकत दिलाएगा। और किसी भी प्रकार का जोड़ों में दर्द है, बात, पित्त, कफ, जोड़ है, तो ये आप इसको ले सकते हो। रियूमेट 90 लिक्विड है, ये सिरप है नागार्जुना रियूमेट 90 लिक्विड। नागार्जुना रियूमेट 90 लिक्विड बिना डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली आयुर्वेदिक दवा है, जो मुख्यतः जोड़ों में दर्द, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, एंटीऑक्सीडेंट, हड्डियों में दर्द, मतलब हड्डियों के दर्द के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। नागार्जुन रूमेट 90 लिक्विड का, इसके इंग्रेडिएंट की बात की जाए कि मतलब नागार्जुन रूमेट 90 लिक्विड जो है, सिरप जो है, किस किस दवाइयों से मिलकर बना है। इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो इसमें बेल है, गिलोय है, गुग्गुल है, जिनकी प्राकृतिक गुणों से के बारे में सभी जानते हैं, जिनके प्राकृतिक गुण। इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसमें बेल है, गिलोय है, गुग्गुल है, जिनकी प्रकृति और गुणों के बारे में सभी जानते हैं। इसमें बात किया जाए बेल के बारे में, सबसे पहले बेल के बारे में बताऊंगा मैं आपको इसमें कि बेल का क्या रोल है, इसमें बेल क्या काम करता है। तो बेल क्या है, पेड़ से प्राप्त होता है, दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाई या एजेंट है, चोट लगने के बाद सूजन को कम करने वाली दवा है। ये दवाएं बैक्टीरिया को मारती हैं या उनकी गतिविधियों को रोकती है। इसमें गिलोय है, अगला गिलोय है,
गिलोय क्या होता है, गिलोय एक बेल होती है, बेला जैसी, नीम के पेड़ों से, मतलब कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं, गिलोय जो है आपने देखे होंगे। तो गिलोय क्या करता है, दर्द को नियंत्रित करता है, बेहोशी रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये दवाई चोट के कारण होने वाली सूजन को कम करती है। इसमें अगला है गुग्गुल। गुग्गुल का क्या रोल है इसमें, दर्द को नियंत्रित करती है, सूजन को कम करती है, दर्द में लिपिड की मात्रा को कम करती है, तथा गुग्गुल क्या करता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने और हृदय रोगों को रोकने में मदद मिलती है। मतलब गुग्गुल का ये काम होता है इसमें। अब दवा लेने की, मतलब ये कहना चाहिए कि नागार्जुन रूमेट 90 लिक्विड दवा लेने की क्या अवधि है, मतलब इस लिक्विड को लेने की क्या अवधि है। तो दवाई का उपचार क्या होता है, लंबे समय तक जारी रहेगा, मतलब दवाई जो है लंबे समय तक जारी रहेगी। ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद में थोड़ा सा लंबे समय से, मतलब लंबे समय दवाई यूज़ करने पर ही आराम मिलता है, दवाई का लंबे समय तक यूज़ करने पर ही आराम मिलता है। तो ये दवाई जो है लंबी चलती है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक इसका यूज़ किया जाता है। खुराक की बात की जाए तो इसमें आपको इसका डोज लेना है 15 ml, दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, मतलब दिन में 3 बार ये टाइप, ये कहना चाहिए सायरप को आपको 15 ml दिन में 3 बार पीना है। साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसके अभी तक के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, फिर भी आपको डॉक्टर की सलाह पर यह टॉनिक का यूज़ करें। बात किया जाएगी क्या पेट पर इसका असर पड़ता है पाचन क्रिया में, तो ये पेट पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, ये पेट पर पेट के लिए एकदम सुरक्षित है। अब बात किया जाए कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट प्रेग्नेंट महिला जो होती है उन पर हो सकते हैं, तो इस सायरप को प्रेग्नेंट महिला पी सकती है, मतलब इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है प्रेग्नेंट महिला के पीने पर। फिर भी एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें इसको पीने से पहले। अब बात किया जाए कि क्या स्तनपान महिलाएं, मतलब जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं, क्या वो इस टॉनिक को, इस सिरप को पी सकती हैं, क्या सुरक्षित है। तो इस पर बात किया जाए तो ये टॉनिक जो है स्तनपान करा रही महिला के लिए सुरक्षित है, पर एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, सलाह मशवरा लें, उसके बाद ही आप इस टॉनिक का उपयोग करें। दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ, अपलोड करूँ, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।